अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बॉटल आपके सामने पड़ी है और जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो डियोर सवाश बिल्कुल भी नहीं है। ये आप चेक करें, ये आर्कस का वॉयज परफ्यूम है। ये इसका बॉक्स है और ये इसकी बॉटल जो कि काफ़ी मुशाबिहत रखती है डियोर सवाश के साथ। जैसा कि इसकी बॉटल डियोर सवाज से काफ़ी मिलती जुलती है, इसी तरीके से इसकी खुशबू भी डियोर सवाज के ईडीडी के साथ काफ़ी मिलती जुलती है और इनके नोट्स भी मोर और लेस एक जैसे ही हैं। अगर आप डियोर सवाज की खुशबू को एंजॉय करना चाहते हैं और आप ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं करना चाहते, तो वॉयज भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। थोड़ी सी सिंथेटिक फील देती है, लेकिन जितने पैसों में ये आपको मिलती है उसमें ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। यस, ये आपको 1400-1500 की रेंज में परफ्यूम मिलता है, जो कि एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इसके नोट्स की अगर हम बात करें तो इसके ओपनिंग नोट्स में बर्गमोट और पेपर, और इसके मिडिल नोट्स में लेवेंडर, पिंक पेपर, वेटिवर और पिचोली का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके बेस नोट्स जो में हैं उसमें सीडर वुड और एम्ब्रोक्सिन का इस्तेमाल किया गया। ऑल दो एम्ब्रोक्सिन मुझे इतना इस पे फील नहीं हुआ, बट स्टिल इसके नोट्स में एम्ब्रोक्सिन भी मेंशन्ड है। जितने पैसों में ये आपको परफ्यूम मिलता है, मेरे ख़्याल से इस परफ्यूम से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ये क्वालिटी वाइज कैसा है। ऑल दो इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। लॉन्जिविटी की अगर बात करें तो इजीली 6 to 7 hours, और अगर सेफ साइड पे आप बात करें तो 6 hours की मिनिमम ये आपके फैब्रिक पे लॉन्जिविटी देता है। तो अगर आप 1500-1400 की रेंज में डियोर सवाज की खुशबू को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉटल इसकी जितनी खूबसूरत है, आपकी कलेक्शन में रखे हुए ये बहुत अच्छी लगेगी, कहीं से भी चीप महसूस नहीं होती। मैं आपको बिल्कुल ये रेकमेंड करूँगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये खुशबू पसंद आएगी। थैंक यू।